एयरपोर्ट पर हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां दिल्ली में बीती रात से ही लगातार बारिश का आलम देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते टर्मिनल वन की छत गिरी थी। अब इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हुई है। कई गाड़ियां इस दौरान हादसे की चपेट में आई। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टर्मिनल वन की। दिल्ली एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा हुआ है, टर्मिनल वन की छत गिरने से, जहां कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि उड्डयन मंत्री ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पर ये हादसा हुआ है। टर्मिनल का एक हिस्सा टूटकर गिरा और जिसके बाद इस हादसे में फिलहाल एक शख्स की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो टर्मिनल एक से आने जाने वाली उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्री भी अब इस हादसे के बाद मौके पर पहुंचे। राममोहन नायडू इस दौरान हालात का जायजा लेते भी नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट के टर्मिनल एक पर यह हादसा हुआ है। तो टर्मिनल का एक हिस्सा टूटकर गिरा, जिसके बाद इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हुई है। गंभीर रूप से कई लोग घायल हुए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टर्मिनल वन की। हालांकि इसके बाद ही टर्मिनल वन से फिलहाल सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और राममोहन नायडू भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। टर्मिनल वन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर टर्मिनल वन की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। कई गाड़ियां इस हादसे की चपेट में आई और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। बीती रात से लगातार दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के चलते कई जगह पर जलभराव की घटना सामने आई है। तो वहीं अब टर्मिनल वन की छत गिरने से एक हादसा भी हुआ है और इस दौरान एक शख्स की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि यहां से फिलहाल सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये ताजा तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां टर्मिनल वन पर हादसा होने के बाद से ही अब लगातार वहां पर जो प्रशासन है वो भी मौजूद, जो घायल है उनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। So, what is the current significant price? Let everyone. कैमरामैन पीछे जाओ यार, एक कदम प्लीज। पीछे रहो यार, थोड़ा शांति रखो, धीरज रखो। आप भी सुबह से वेट कर रहे हैं, ठीक है? एवरीथिंग ओके राइट नाउ? एवरीथिंग ओके। कैमरामैन एक कदम पीछे जा सकते हो, फिर से बीच में डिस्टर्ब मत करो। आई विल जस्ट गिव अ स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड। सो टुडे मॉर्निंग एट 5 o'clock वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड एट टर्मिनल 1 दिल्ली एयरपोर्ट। एंड लाइक यू ऑलरेडी नो, a section of the canopy
which is outside of the airport, extension of the airport building, has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, four people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the emergency response team, the fire safety team, and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there, which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off and everything is being thoroughly inspected so that any other untoward incident does not happen here. And regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience as of such. Sir, GMR operates this terminal. Yes. Have you sought any clarification from them? Because this structure is of 2009 and in 15 years it has collapsed. Like you have said, this structure has been built in 2009. And we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited also, is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country, any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report and we will see if there is a requirement for an independent body also. Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased. And also for the injured, 3 lakhs. अच्छा ऑपरेशन पार्टी का सर ऑपरेशन ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है दूसरी तरफ है जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो अभी करवाएंगे सर विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है साफ दिखाई दे रहा है उन पे पेंट भी नहीं है तो इतनी लापरवाही कैसे थी हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है और जो टेक्निकल एस्पेक्ट जो फोरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का वो सब अपना रिपोर्ट देंगे तो उसके हिसाब से हम गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर बट व्हाट इज योर असेसमेंट व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस कोलैप्स मॉर्निंग एंड सिंस देन वी हैव बीन First of all, we wanted no casualties to happen and all the injured, if any of them, then we wanted to take proper care of them. So we are following that protocol that we look after the injured first and also the passengers. Whoever are supposed to be traveling from here, we wanted to give them assurance and safety and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented. Sir, T1 operational kab se hoga? After the report comes. T1 kab se operational hone ki umeed hai? T1 kal tak hum puri tarah se inspection karwayenge. Abhi to pura evacuate kar diya hai. Koi aadmi nahi hai andar. To pura building ka inspection puri tarah se hoga. Uske liye thoda time lenge. To isliye jab tak ye band hai, abhi T2 aur T3 se unke
ऑपरेशंस चालू होंगे। राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ है जहाँ मैंने बोला है कि बाकी जगहों पर भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। सर एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया, बारिश थी, प्री मॉनसून बारिश थी। वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट दी इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू देयर थिंग एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू क्लैरिटी। ओके सर, कमिटी का हिस्सा है कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं इसमें? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो दिखता है डीजीसी है दैट विल बी पार्ट। विल एयरपोर्ट बी, एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लैप्सेस? लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज। जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, एक शख्स की मौत हो चुकी है और अब नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि इस पूरे मामले पर जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल किस तरीके की स्थिति वहां पर? देखिए, सबसे पहले बता दें कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री है उनकी तरफ से जो मुआवजा है उसका ऐलान किया गया है। जो मृतक है, एक जो है मृतक है, इस पूरे हादसे में 20 लाख रुपए उसे सरकार देती हुई नजर आएगी और 3 लाख रुपए जो घायल है उनको सरकार जो है देती हुई नजर आएगी। 4 घायल जो इस हादसे में देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। सुबह 5 बजे की घटना है जहाँ पर जो कैनोपी है टर्मिनल 1 पर वो जो है अचानक जो है गिर जाती है और जो है जिस तरीके प्रकार से हम देखते हैं कि गाड़ी के ऊपर ये कैनोपी गिरती है और जिसके कारण कई जो यात्री यात्रा करने के लिए आए गए थे वो जो है अचानक देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। इसके हादसे में एक जो व्यक्ति है उसकी जान जो है जाती हुई नजर आई है। ऐसे में तुरंत राहत बचाव का जो कार्य है वो जो है शुरू किया गया था और तमाम जो जो एजेंसी थी जिसमें फायर सर्विस की बात की गई या फिर अन्य जो एजेंसी है वो आप मौके पर पहुंचती हुई जो है नजर आई और तमाम जो राहत कार्य है उनसे जो है चलाती हुई जो है नजर आई थी। लेकिन गनीमत ये रही कि ज्यादा बड़ा हादसा जो है देखने को नहीं मिलता नजर आया, लेकिन तुरंत जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है वो आम मौके पर जो है पहुंचते हुए जो है नजर आए हैं। पूरी घटना का जो जायजा है वो उन्होंने लिया और उसके बाद में उनका बयान भी निकलकर सामने आया कि किस तरीके से पूरा हादसा जो है देखने को मिलता नजर आया था और एक जांच जो है वो इस पूरे मामले की देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी और उसके बाद में जो भी अथॉरिटी होगी हादसे के लिए जिम्मेदार उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो आज जो है नजर आएगा। तैयारी में फिलहाल जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है मोहन नायडू वो मौके पर जो है स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं। स्पर्श, लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये प्री मॉनसून की बारिश थी, कोई आंधी तूफान नहीं था, सिर्फ बारिश थी और ऐसे में ही छत का गिरना, जो बाढ़ से उन पर भी जंक लगा हुआ था और अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो 3 टर्मिनल और हैं क्या वहां पर भी इस तरीके की स्थिति है? कहीं ना कहीं यात्रियों के मन में भी अब कई तरीके के सवाल हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम तरीके के सवाल जो है हुए हादसे के बाद जो है उठते हुए जो है नजर आए, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट एक एयरपोर्ट जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर जो है देखा जाता है और उसके साथ साथ काफी बड़ा एयरपोर्ट जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे में पिछले दिनों ये भी जानकारी आई थी कि जो एयरपोर्ट पर लाइट है वो जो है चली गई थी और जिस तरीके से मानसून या फिर कहें कि प्री मानसून की जो पहली बारिश है वो देखने को मिलती हुई नजर आई और उसमें अगर इस तरीके का हादसा देखने को मिलता हुआ नजर आता तो निश्चित तौर पर क्या मेंटेनेंस जो है वो ठीक टाइम पर नहीं होती हुई जो है नजर आती या फिर जिस तरीके से जो अथॉरिटी है या फिर कहें कि जो कंपनी है जो एयरपोर्ट को जो है चला रही है उसको जो है क्या जो माल है जो इस्तेमाल किया गया वो ठीक अगर इस्तेमाल नहीं किया जाता तो समाज जो सवाली निशान है वो कहीं ना कहीं दौड़ते हुए नजर आ रहे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो जो फिलहाल जो टर्मिनल 1 है वो जो है बंद कर दिया गया तमाम फ्लाइट के लिए और ज्यादातर फ्लाइट जो है वो 2 बजे तक ऐसा माना जा रहा है कि जो है बंद देखने को मिलती हुई नजर आएगी और इसके कारण जो यात्री परेशान हो रहे हैं उनको लेकर डीजीसीए ने सीधे तौर पर कहा है कि या तो यात्रियों को वैकल्पिक जो फ्लाइट है उससे जो है सेवा उपलब्ध कराई जाए या फिर अन्यथा जो फुल रिफंड होता है वो कहीं ना कहीं जो है दिया जाए। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से बड़ा हादसा जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट का देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया। ऐसे में निश्चित तौर पर जांच कमेटी जो है देखेगी कि आखिरकार हादसे के पीछे कारण क्या थे, क्या जो 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 कहा जा सकता है कि जो जो चीजें इस्तेमाल की गई थी वो जो है जो अपटूडेट मार्क नहीं थी या फिर कहें कि जो मेंटेनेंस होती है वो ठीक ढंग से नहीं की गई थी, ये तमाम चीजें जो है वो सवाल निशान जो है इस बड़े हादसे पर छोड़ती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है। सुबह करीब 5 बजे की घटना बताई जा रही है, जब टर्मिनल 1 की छत गिरी और इसके बाद कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। हालांकि एक शख्स की मौत हो चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा उनके लिए मुआवजा राशि का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा जो घायल स्थिति में है उनका फिलहाल उपचार जारी है, उनके लिए भी सहायता राशि की घोषणा की गई है।